हम आ गए हैं वही जगह पे जहाँ मीरा और शुएब का निकाह हुआ था एंड हमारा कबूल है मोमेंट हुआ था, तो इसी जगह पे हम आए हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की। सो जब तक मैं सबके घर जाके विज़िट कर रही थी, ये जो हमारी प्लानिंग वाली जो टीम है वो ऑलरेडी यहाँ आ गई। उन्होंने पूरे ग्राउंड का मेजरमेंट ले लिया, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी होता है फिर जब आप डेकोर डिसाइड करने बैठोगे। एंड हमारा एक ही ट्रिप है, बार बार इतनी दूर आना पॉसिबल हो ना हो, इसलिए हम सारा होमवर्क इसी ट्रिप पे करके जाएंगे। अंदर की तरफ दिखेगा वो अच्छा वाला हमको चाहिए। एक वो आपने पूरा बाउंड्री, ये वही जगह है जहाँ हमने आपसे 4 साल पहले कबूल है बोला। जैसे ही गाड़ी एंटर हुई ना, ऐसे दिल में कुछ हुआ, क्योंकि यही पे था, यहाँ पे जो हमारा मेन स्टेज था वो बना हुआ था, ये पूरा सजा हुआ था, और यहाँ बीच में स्पेस है, वहाँ पे जो मेरा छोटा स्टेज था वो बना हुआ था, पानी है। और फिर वो कबूल है बोलने के बाद वो फूलों की चादर में मैं वहाँ से चल के यहाँ शुएब के पास, तो सब याद आ गया। एंड ये शुएब बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, बहुत बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब इससे अच्छा ग्राउंड अपने को निकाह के लिए नहीं है। ये स्कूल ही है, तो अभी क्या सोच रहे हैं, सड़क है ना वहाँ से ये पूरा एंट्री का टनल बनेगा, एंड योर स्टेज विल मेक इन द सेम प्लेस वेर इट वॉज माइन। एंड जो मेन खाने का बुफे लगेगा और तंदूर लगेगा वो ही एकदम एंड में, वो दो सेक्शन में, आधा लेडीज और आधा जेंट्स, लेडीज एंड किड्स और जेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग फाइनल डिस्कस कर रहे थे निकलने से जस्ट पहले कि क्या थीम हम सोच रहे हैं, कहाँ कैसा स्टेज होगा, स्टेज का क्या डेकोर होगा, और वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, अभी बता दूंगी तो मज़ा चला जाएगा, लेकिन वो आप शादी के व्लॉग में डिटेल में देखेंगे। एंड जैसा हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो बहुत 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 खूबसूरत लगने वाला है। सो जिस काम के लिए आए थे काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहा, और अब हम जा रहे थे रास्ते में और मुझे दिख गई चूड़ियों की दुकान, तो मैं रुक गई। मैं पहली बार अपने ससुराल, अम्मी या किसी के भी बिना आई, तो अम्मी और सबा के लिए यहाँ से कुछ ना ले जाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे अच्छी चीज़ चूड़ियाँ हैं, है ना, वही सही है ना। तो ये आपकी सबसे बड़े, मैं ये देता हूँ, पहना दो, पहना दो। इन्होंने मुझे इतने प्यार से इतनी दुआएं देते देते बैंगल्स पहनाई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ लो, पहन लो, इसको पहना दीजिए। ये देखिए हमारे साथ कौन बैठा है, यस दूल्हे साहब। कैसा लग रहा है सनी, क्या फीलिंग अच्छा आ रही है? अभी थोड़ा फीलिंग ज़्यादा अच्छी वाली आ रही है। आज के बाद और ज़्यादा आएगी। और तैयारियां तुम्हारी भी चल रही है जोर शोर से? चलो वेरी गुड। सो आज बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्विक ट्रिप था, लेकिन हमारे सारे जो ऐसे चेकलिस्ट पे काम थे वो सारे हो गए। हम इनके घर भी गए, इनकी अम्मी से भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और अब हम सबका सारा काम हो चुका है, काफ़ी ऑन टाइम हुआ है, आधा घंटा लेट हो गया क्योंकि हमने चूड़ियों की दुकान पर आधा घंटा लगा दिया, पर कोई बात नहीं, इतना तो हक बनता है। बस अब सबने चाय वाय पी ली है और अब हम निकलते हैं, और आपसे अब जल्द मुलाकात। फैमिली पहुंच गए होटल रमाडा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज ऑफ लखनऊ है। मैं पहली बार आई हूँ, उससे पहले कभी नहीं आई, देखते हैं कैसे। एंड वाकई में इस पूरे होटल का फील, लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, एट द सेम टाइम प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल थे।
हम लोगों ने जल्दी से चेक इन ख़त्म किया क्योंकि फिर हमें डिस्कशंस के लिए बैठना था। And मैं अपनी दुष्टता कंटिन्यू करते हुए इसके हर बर्थडे पे मैं इसको काम में उलझाए रखती हूँ। एक्चुअली इसी का काम रह जाता है। सही बात है। पाइनएप्पल है। आप वहाँ बैठे नियत लगा रहे हैं। नहीं ये सब यहाँ है। Hi, we miss you. आप कितने चलाक हो ना, मुझे बता नहीं जाती हूँ फोन करे आपको, लगता मैं भूल गई है ना। चलो 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 बाय बाय, थैंक यू। हाँ हाँ हम ऐसे थे, अभी तो लेट गई थी, अब उठ के बैठिए कि एक आया तो तमीज में जरा। चलो बाय, थैंक यू। चलिए कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू कैंडल को नहीं फूंकती? फूंके वो नहीं फूंक बुझा। जोर से आरती, थोड़ा दम लगाओ। ये सबसे पहले देखो, बहुत अच्छे से मुंह धो के क्रीम व्रीम लगाए, नींद वाले मूड में लगाना। ये सबसे पहले आहारा की तरफ से। ये अच्छा है पूरा। हाय रे, चल आ जा हमारी एक फोटो। क्या ठीक है, चिकना हो जाएगा फेस तो और लगाओ। नहीं नहीं बस। इतने थके हुए दिन के बाद भी हम सब एक कमरे में एक साथ बैठे हैं क्योंकि आज हमको काफ़ी चीज़ें डेकोर वगैरह की फाइनल करनी है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। और मैं सबा को फ़ोन करती जा रही हूँ और मैं शोएब को फ़ोन करती जा रही हूँ क्योंकि हम कल चले जाएंगे वापस मुंबई और ये यहाँ रुकेंगे, अपना पूरा होमवर्क करेंगे, यहाँ पर जो भी उनको तैयारी करनी है वो करेंगे। तो इसलिए